खन्ना के शिवपुरी मंदिर के 15 अगस्त को तड़के करीब 3:30 बजे चोरी और शिवलिंग खंडित करने की घटना में 4 आरोपी फड़े गए ने। पंजाब के DGP गौरव यादव ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की। इंटरस्टेट गिरोह के 4 मैंबरों को काबू किया। ये पूरे भारत च धार्मिक स्थानों को निशाना बनाते थे। इस ऑपरेशन च पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड और लखनऊ पुलिस का सहयोग रहा। उन्होंने दसिया कि 6 टीमों का गठन किया। इस उत्तराखंड पुलिस की मदद न मुख आरोपी रेशम सिंह उर्फ रिंकू निवासी सिंधी चाला थाना सितारगंज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड दिल्ली तो काबू किया गया। चंडीगढ़ पुलिस की मदद न रवि कुमार निवासी मेहनतपुर थाना नंगल जिला रोपड़ चंडीगढ़ तो काबू किया है। हानी निवासी मेहनतपुर थाना नंगल जिला रोपड़ तो ही काबू किया है। गिरोह के चोरी का समान खरीदने वाले ज्वैलर राजीव कुमार सोनी निवासी कुमारपुरम थानापुरा जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश भी काबू किया है। सत श्री अकाल जी। जिवें तुसी सारे ने जानते हैं 15 अगस्त 2024 नूं अपनी प्राचीन शिव मंदिर शिवपुरी दी एरिया दे विच चोरी हुई सी। और चोरी करन दे दौरान इन्ने शिव मंदिर दा शिवलिंग दी परमपुर शिवलिंग दे इन्ने खंडित कीता सीगा। उन्हां नूं लै के बहुत सारे अपने लोकल लोकी है पंजाब दे सारे लोकी उन्हां दी धार्मिक भावनाओं नूं ठेस पहुँचा सीगा। वो रोश भी जो हैगा सानू देखण नूं मिलिया सी। मामले की सेंसिटिविटी नूं ध्यान दे विच रखदे होए कि खन्ना पुलिस ने वख वख टीमां बना के साढ़े 6 टीम बने सीगे इमीडिएटली इस काम दे उत्ते लगे रहे। और इहदे विच सानू बटाला पुलिस का भी मदद मिलिया नाले जो हैगा वख वख जिलों की और वख वख जो राज्य की जो अलग बाकी दे स्टेट हैगे उन्हां दा भी इहदे ते सानू मदद मिलिया। मैं PC दे दौरान तुहानू दस देवांगी। तो इहदे ते कम करदे होए सानू 2 सस्पेक्ट उन्हां दे फोटोग्राफ्स मिले सीगे वीडियो फुटेज मिले सी। वह असी पब्लिक दे नाल भी शेयर किया सी क्योंकि सानू उम्मीद सीगा कि पब्लिक दे विचों भी कुछ इनपुट सानू मिल सकदी सीगी। लेकिन इहदे विच साइंटिफिकली भी कम करदे होए जो वैज्ञानिक तरीके नाल जो पुलिसिंग दी कम हुंदी है उहदे नाल भी कम करदे होए असी पुराने जो केसिस इस तरीके की जो चोरी हैगी आ वो वख वख अगर मान लीजिए कोई दूसरे जिले के होए ने या दूसरे राज्य के होए ने उहदे करके उन्हें नाल शेयर करके उन्हां वालों असी डिटेल्स मंगे सीगे। उत्थों दी सानू एक इनपुट मिले सी पंचकुला वालों, एक इनपुट मिले सीगे चंडीगढ़ वालों, एक दिल्ली तो मिले सी। असी सारियां नू फॉलो करते हुए एक सस्पेक्ट दे उत्थे जीरो इन किया सीगा। उन्हां नू फॉलो करते हुए उत्तराखंड तो एक मेन दोषी इस केस का हैगा रेशम सिंह उन्होंने असी फड़े। और उन्होंने जदों फड़न तो बाद उन्हें कन्फेस भी किया कि उन्होंने अपने गैंग मैंबरां दे नाल मिल के जो शिवपुरी मंदिर है इत्थों की इन्हें चोरी किया सीगा। इहदे नाल दे जो सीगे एक रवि कुमार सीगा वो रोपड़ जिला रोपड़ पंजाब स्टेट का सीगा। नाल ही उन्होंने नाल एक हनी वह भी रोपड़ का सीगा और एक मोहित वो हैगा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का। उहदे नाल जो इन्हां दे नाल जो सुनियारा हैगा वो हैगा लखनऊ उत्तर प्रदेश का। सो इन्हें इन्हां दे विच काम करते हुए टैक्निकली काम करते हुए खन्ना पुलिस के वख वख टीम इकट्ठे ये सारे राज्य दे विच अपनी टीम रेड कर रहे सीगे। इहदे विच मैं SSP चंडीगढ़ श्रीमती कंवरदीप कौर उन्हां दा मैं धन्नवाद देना चाहवांगी। उन्हां दे टीम दे नाल मिलके असी एक दोषी नूं चंडीगढ़ तो फड़िया। उहदे नाल नाल SSP उधम सिंह नगर उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड मंजुनाथ जी उनका मैं धन्नवाद करना चाहवांगी। उन्हां दे लोकल टीम दे नाल मिलके अपने DSP हैगे समराला नाले उन्हां दे कोल DSP D दा चार्ज हैगे उन्होंने उधम सिंह नगर तो रेशम सिंह नूं अरेस्ट किया। उहदे नाल जो जगजीवन जी है हमारे स्पैशल ब्रांच का उन्होंने लखनऊ जाके जो सुनियारा सीगा जिन्होंने ये चोरी का समान खरीदी सी उन्होंने असी गिरफ्तार करके लेके आए। उन्होंने नाल नाल उन्होंने अलीगढ़ से भी इन्होंने रेड किया सीगा। उसके अलावा जो लोकल टीम सीगे उन्हें रोपड़ तो अरेस्ट किए। इहदे विच मैं हाईलाइट करना चाहवांगी कि अपनी लोकल टीम जो हैगे खन्ना CIA दे इंस्पैक्टर अमनदीप है उन्होंने बहुत वधिया काम की। उन्होंने नाल नाल सब इंस्पैक्टर सिमरन है अपने टेक्निकल दे दौरान क्योंकि इहदे विच बहुत सारा वैज्ञानिक तरीके नाल आपां नूं काम करना पै गया इन्हें बहुत बढ़िया काम किया। उहदे नाल जो 4 मुलाजम साढ़े बटाला पुलिस के भी आए थे ASI GP सिंह
ASI कुलदीप, ASI रजिंदर और कॉन्स्टेबल अमनप्रीत, इन्होंने सानू लोकली CCTV का चेक करने दे विच साडी मदद की थी। और ये सारे चीज़ों का जो ओवरऑल सुपरविजन जो चल रहा सीगा वो अपनी SPD साहब सौरव जिंदल जी वो कर रहे थे। लेकिन ये पूरी वारदात जो हुई इन्हों का सेंसिटिविटी ध्यान में रखते हुए DGP साहब पंजाब गौरव यादव जी और नाले अपने लुधियाना रेंज DIG मैडम धनप्रीत कौर, हर एक जो अपना तफ्तीश का पहलू सीगा उन्होंने उन्होंने गाइडेंस के तहत ये काम हो पाया है। और मैं सारे ही सीनियर ऑफिसर्स का धन्यवाद करना चाहवागी, नाले खन्ना के जो जिन्हें भी अपने पब्लिक ने उन्हों का भी मैं धन्यवाद करना चाहवागी जो इन्होंने कोऑपरेशन सानू दिती है। उदे नाल ही पूरे पंजाब दे जो माहौल नू शांतमई रखण दे विच जो भी मतलब जो भी इन्हां दे वल्लों सैक्टर वल्लों सानू कोऑपरेशन मिलिया उन्हां दा सारिआं दा मैं धन्नवाद इहदे ते तुहाडे राही मैं देना चाहवांगी। इहदे विच मैं एक चीज़ दसना चाहवांगी कि जो इहदे विच चोर हैगे जो क्रिमिनल्स ने वह पंजाब दे नाल या खन्ने दे नाल उन्हां दा कोई लेना देना नहीं सीगा। ओ सारे एक इंटरस्टेट गैंग है, इन्ने वक् वक् राज्य दे बिलोंग करते हैं, इन्होंने वक् वक् राज्य दे विच जाके क्राइम की है। जदों असी इहदे विच अरेस्ट किया साढ़े तफ्तीश दौरान साढ़े पुछगिछ दौरान इन्होंने दो चोरिया होर मने ने जिन्होंने बेंगलौर कर्नाटका दे विच किए थे पिछले 2 महीने दे विच। उत्थे इन्होंने 2 मंदिरां दे विच चोरी किए थे तकरीबन 8 किलो चांदी इन्हें उत्थों की चोरी करके ले आए सी और इसी सुनियारे नूं इन्हें वेचिया सीगा। इसके अलावा तुहानूं याद होगा 2018 दे विच मानसा देवी कॉम्पलैक्स पंचकुला दे विच एक वड्डी चोरी हुई सी, उहदे विच वी यही गैंग जो हैगा उन्हें किया सीगा। जो इहदे च रेशम सिंह जो है मेन इन्हां दा मैंबर हैगा गैंग दा, उन्हां दे उत्ते 10 परचे हैगे आ चोरियां दे, उहदे विच लखनऊ दे हैगे आ और चंडीगढ़ दे हैगे आ और पंचकुले दे ने और उत्तराखंड दे ने। हुण एक बहुत ही इंट्रस्टिंग चीज़ मैं तुहानूं दसना चाहवांगी कि इन्होंने कल रात दिल्ली तो निकलना सीगा तमिलनाडु और तेलंगाना के लिए, उन्होंने उत्थे चोरी करना सी 2 मंदिरां दे विच, 2 मंदिर तेलंगाना दे विच और 2 मंदिर इन्होंने तमिलनाडु दे विच, क्योंकि ये उस तो पहले ही अपने गिरोह दे विच आ गए तो फिर वो अगे होने वाले जो चोरी सीगे उहदे ते भी वो प्रिवेंट हो पाए हैगे। और नाले जो इन्होंने कर्नाटका दे विच कीता सीगा चोरी, 2 चोरी है वह भी इहदे विच ट्रेस होए ने, लेकिन ये हले साढ़े कोल आए हुए ने, हले इन्हां दे पुछगिछ होना बाकी हैगा। तो इहदे विच जो भी इनफॉर्मेशन आऊगी वह अगे तुहाडे नाल शेयर किया जाऊगा। इहदे नाल ही जो ज्वेलर हैगा जो सुनियारा हैगा उहदे ते भी घट्टो घट 12 मुकदमे हैगे जो हुण तक जो साढ़े नॉलेज च आए हुए ने। उन्हां दे मेन आही सीगा कि ये चोरी का समान खरीदा सीगा वक् वक् चोरों तो जो मंदिरों के जाके ये चोरी करते सीगे। इन्हां दे सारे दे मन दे विच ये चीज़ आती है कि अगर ये बंदे बाहर दे हैगे तो फिर इन्हें खन्ने दे विच किवें आए। इन्हां दे एक कोई मकसद नहीं होंदा कि असी इसी जिले दे जाके करने हैगे, ये देखते सीगे गूगल दे विच फोटो देखते सी कि मंदिर दे फोटो देखते सी, उन्हूं देख के उत्ते वो फाइनलाइज करते सी ठीक है इस हफ्ते असी इस राज्य दे विच जाके इस जिले दे विच जाके इस मंदिर का चोरी करनी हैगी। तो उन्होंने डिसाइड किया सीगा इत्थे खन्ने दे विच आके ये वाला चोरी असी करनी हैगी। उदी तरह क्योंकि जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी अज इस हफ्ते का उन्होंने प्लान किया सी साउथ इंडिया च जाके दक्षिण भारत दे विच जाके उत्थों दी 2 स्टेट दे विच जाके इन्हें चोरी करना सीगा। तो मैं ये मनदी हाँ कि विद द सपोर्ट फ्रॉम द सीनियर्स सारे सीनियर ऑफिसर्स दे सपोर्ट दे नाल और मैं स्पेशल तरीके नाल अपनी मिनिस्टर साहब अमन अरोड़ा जी आए थे इत्थे, तुसी सारे जानते हैं कि उन्होंने भी आश्वासन दिता सी पूरे खन्ने वासियां नूं कि इस केस नूं असी छेती तो छेती इहदे विच असी कर लांगे ट्रेस कर लांगे। तो उन्हां दा भी इहदे विच बहुत सपोर्ट रहा कि जदों असी दूजे स्टेट नाल कोऑपरेट कर रहे सीगे नाल ही कोऑर्डिनेट कर रहे सीगे नाल ही जो हैगा सारे सीनियर ऑफिसर्स दे बहुत सीनियर लेवल दे विच वी सारे स्टेट दे विच इंटर कोऑर्डिनेशन रहा और लोकल अपने टीम हैगे पंजाब पुलिस की टीम भावें वह खन्ना पुलिस की हैगी है या दूजे पुलिस के है इन सारिया के एफर्ट्स के नाल ये केस 7 दिन के अंदर ट्रेस होया। बुधवार पिछले बुधवार ये क्राइम होया सीगा और इस बुधवार ये सारे क्रिमिनल्स ये जो सके वह सारे अरेस्ट हुए हैं और जो इन्होंने चांदी वेचे सी इस मंदिर दे विच जो चोरी करके वेचे सी इन्हों का तरीका होंदा सीगा कि जैसे ही इन्होंने चोरी किए
उस चोरी का समान इस सुनियारे नूं वेच देंदे सीगे और उसी वक्त उन्होंने उसको पिघला के उत्थों की ज्वेलरी बनाता सीगा कि भावें वो फाइल हो गए या कोई होर चीज़ें है वो बना के फिर अगे वेचता सीगा। इहदे विच सानूं ट्रांजैक्शनस भी मिले ने जो इन्ने वेचे आ उहदा अमाउंट ये जो कल्परेट है उन्होंने बैंक अकाउंट के भी आए हुए हैं और ये इन्होंने होर भी जो क्राइम इन्होंने किए या वख वख स्टेट्स के उन्होंने भी मने है और असी मानयोग अदालत के सारे दोषियों हूँ असी पेश करा रहे हैं उतों की उन्होंने आप रिक्वेस्ट कर लाँगे यदा रिमांड होर सू मिल जूगा उसे जो भी चीज़ें सामने आएंगे फिर वो ते अगे शेयर किया जाऊगा। देखिए जी ये अभी असी अरेस्ट किए चार इन्हों की हर एक चोरी के दो मैंबर सेम रेंदे सीगे और दो या तीन मैंबर जो है नवे जुड़ जाते हूँ। इन्होंने जो 18 के चोरी किया एक दोषी हले भी रोहिणी जेल दिल्ली के बंद हैगा और एक जो दोषी हैगा वो पीओ हैगा वो महाराष्ट्र का हैगा वो हले वो मिसिंग हैगा वो भी पहले सुनियारे काम करता सीगा जो चोरी का समान ही करते उन्होंने पिघला के अगे ये काम करता सी। मैडम जो रवि हनी है जी रोपड़ जी रवि कुमार और जो हनी है ये दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। इन्हां दी वास्ता रेशम दे नाल पड़ी सी एक साल पहले रेशम दे नाल इन्हां दी आपसी दोस्ती हुई सी। इस बारी जो ये क्राइम होया रेशम ने इन्हों कॉल किया कि उन्हों कहा कि आपां खन्ने जाना है कि उत्थे उन्हों लेके आया वो कोई होर काम वास्ते इत्थे आके उन्हों दसता कि असीं ये काम करनी है तो देखोगे तो ये आए सीगे चोरी करने के मकसद एक बंदा पहले आंदा आ कोशिश करता है जो सिल्वर प्लेटिंग होंगी है चांदी की प्लेटिंग होंगी है शिवलिंग के उत्ते की वह निकालन की कोशिश करता है। जिवें तुसी हिस्टरी भी देखोगे इन्हों का जिवें इन्हों के रेशम के उत्ते 10 परचे है इन्होंने गुरुद्वारे के भी चोरी की है दिल्ली के इन्होंने गुरुद्वारे के चोरी की है और चंडीगढ़ के मंदिर के हैगी है और बैंगलोर के जो है उत्थे इन्होंने एक साई मंदिर के हैगी है एक देवी टैंपल जो की हैगी है तो इन्हों का मैं ये नहीं मनती मैं ये मनती जो चोर होंगे जी वह कोई दीन धर्म नहीं होंगे तो जो बंदा गुरुद्वारे दे विच कर रहा है वही बंदा मंदिर दे चोरी कर रहा है। इहदे विच मेन मकसद इन्हां दा सीगा कि चोरी करके लेके जाण दा उहदे विच जो अपने शिवलिंग हैगे आ उहनां दी डेसिक्रेशन होया सी जी। किन्नी कि टीम दे मैंबर ने इहदे विच इहदे विच चार मैंबर हैगे जी इहदे चार असीं अरेस्ट कीती हैगी उहदे नाल इस केस दे विच नहीं है जी इस केस दे विच एक बंदा हले रहिंदा हैगा जो अरेस्ट करन वाला हैगा मोहित हैगा लेकिन इन्हां दे हर एक जदों तुसीं एफआईआर आपां कढ के देखदे आ हरेक दे विच दो मैंबर इन्हां दे सेम रहिंदे आ या रेशम रहिंदा या मोहित रहिंदा उहदे नाल बाकी बंदे होर जुड़ जांदे है। कोई मुहम्मदन भी है ना? नहीं जी मैंने आपको नाम सभी का बता दिया इसमें कोई मुहम्मदन नहीं है। जेड़ा समान तारे गए चांदी दा तू टोटल टाल दता गया कोई चीज क्यों मिलया भी कोई ऐसा कोई साफ कोई चीज मिली उन मंत्र जिहड़ी ग्रुप करे इन्हें चांदी दी समान सीगा चांदी दी समान जाके उत्थे वेचया है जी उसके अलावा कोई चीज और है नहीं नहीं इन्होंने जैसे ही लेके चले गए उन्हें उन्हें पिघलाता पूरा जो चांदी सी उन्होंने पिघला के उतों की समान बनाता इन्हें तकरीबन 3.5 किलो की 3.5 किलो की जो चांदी सी उन्हें लेके गए थे उन्होंने पिघलाती पिघला के फिर उदा सेम अमाउंट की जो है सानू उत्थे रिकवर हुई है कि उन्हें ये बनाया सी कोई ग्लास बनाए सी कोई मुकुट बनाए सी कोई इस तरीके की चीजें बनाई इन्होंने ये करते जी गूगल के फोटो चेक करते फोटो चेक करके उ इसी तरीके की होंगी है जी अपने उत्थे दी फोटो असी ले रहे हैं बैंगलोर दो फोटो असी खरीद रहे हैं उतों दी बैंगलोर पुलिस नाल हुण असी टाइप कर रहे हैं उतों दी फोटोग्राफ किस तरीके की हैगी वो ले रहे हैं। उसी दिन आए जी 14 तारीख शाम को आए 14 तारीख शाम आए और उस दिन रात नु इन्हें वारदात की 2 बजे ए 2 बजे तक 2 बजे मंदिर के आस पास से 3 बजे मंदिर के अंदर वड़े 3:40 बाहर निकले और बाई 5:30 5:30 तक ये निकल गए सी पंजाब तों बाहर। रात का समय है जी हर कोई नहीं देखिए गल ये है ना कि उन्हें आए रात आए 10-11 बजे 12 बजे आए
फिर उन्होंने देखा कि मतलब जो मंदिर के चार बजे लोग आते तो और दस बजे भी ग्यारह बजे बारह बजे भी पुलिस दिखी एक बजे भी पुलिस दिखी उस तो बाद इन्हें उदे करके तीन चार घंटे घूम रहे थे उ देखो जी वो फिर उन्होंने पूछने वाली गल हैगी है तो कि कोई मतलब बंदा को इन्ने मैं तुम्हें दसता कि इन्ने इस तरीके का वारदात उन्हें करना रिकवरी हुण तक 3.5 किलो जो चांदी है कि वो रिकवर मुकुट निकाल रहे उस वेले जो नत सीगा डिग पिया कपड़े अंदर ही डिग पिया मंदिर कमेटी ने सानू इनफॉर्म कर दिया कि नत उन्होंने मिल गई ठिकरी फेरा होंगे और चौकीदार होंगे ने और उस तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सीसीटीवी कैमराज इन्हों तो लवाईए जिथे मार्केट एरियाज है जिथे मंदिर है जिथे गुरुद्वारा है और ईवन जो रस्ते हैं कॉलोनीज है गेटेड कम्युनिटीज है उते सारे असी कैमराज दा कुछ जो हैगा वो प्रशासन वालों लगते हैं कुछ जो हैगा मोस्ट इंपोर्टेंटली अपने सेफ्टी वास्ते अपन अपने घरां दे विच भी लाना चाहिए और अपनी जो हैगा शॉप्स दे उते भी लाना चाहिए और ईवन मार्केट एरिया दे विच भी लाना चाहिए डोमेस्टिक हेल्पर रखदे भावे फैक्टरी दे विच वर्कर रख रहे ने भावे अपना कम महीने वास्ते कम दा घर दा कम करा रहे हैगे भावे पेंटिंग करा रहे भावे कुछ करा रहे हैगे उन्हां दी आधार कार्ड उन्हां दी डिटेल्स पिछों कित्थों दे हैने उन्हां दा मोबाइल नंबर ये तीनों चीज़ें आप आके अपने नज़दीकी सांझ केंद्र दे विच डिपॉजिट कराइए इमीडिएटली ये दिस इज फॉर आर ओन सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर होंगी है इट इज फॉर आर ओन सेफ्टी तो ये करके तड़े राही असी दस रहे हैं सो वी इट इज इसमें डीसी साहब वालों ऑर्डर होंगे है कि आप इस पे करो सारे वेरीफिकेशन करो जिन्हें तुसी घर से रख रहे हैं तो असी दोबारा करवा देंगे डीसी साहब वालों बट दैन अदरवाइज ऑलसो प्रोविजन है तुसी जाके सांझ दे विच अपने जिन्होंने भी तुसी घर से रखना चाहते हो वेरीफिकेशन जरूर कर अमर उजाला पत्रकार ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਰੋਪੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੀ ਫੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੇਖੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्योंकि कोर्ट वास्ते मैं जवाब दे रही हूं पब्लिक नहीं है मैं आपको बता रही हूं इसीलिए अपन इतना समय लगे ना जी एदे विच जो ओदे विच बस ये नहीं होंदा जी बस फेस मैच हो रहा कि नहीं हो रहा है अपन नु ओदे विच वैज्ञानिक तरीके नाल उन्हां नु प्रूव करनी हुंदी है एविडेंस जी जी उस वेले जदों ये सिगा कि ओदा ओदा साडे कोल की प्रूफ हैगी ओदे विच उन्हां दा खून डुल्या होया जी ओदा फिंगरप्रिंट हैगे आ वो सारी चीजें मैच होण तों बाद ही फिर असीं इत्ते इन्ना वड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस रहे हां और जो दोषी हैगे आ उन्हां दी जो एक फुटेज सारे ने देखा होना उदा एक डिस्टिंक्शन सीगा जी हेयर स्टाइल जिवें बाल दा सीगा वो तुसी आप देख सकते हैं कि उन्हां दा फोटोग्राफ असीं रिलीज कर लांगे तुहानूं पता चल जाएगा बट इहदे लेकिन पब्लिक नूं मेरे वल्लों ये आश्वासन हैगे तुसी बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैगे जिहदे विच जे ये कम कीते आ उन्हां नूं फड़ के लेके आए आप उन्हां दी पूरी वैज्ञानिक तरीके नाल मैच करके उसके बाद ही तुहाडे सामने हैगा पेश कराया जाएगा।
ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਵਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ 331(4) ਐਂਡ 305(299) BNS। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 295 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਚੋਰੀ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 30, ਰੇਸ਼ਮ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਐਂਡ ਜੋ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 27, ਜੋ ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਯੰਗ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਰਲੀ 20s ਚ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਸੇ ਹਮਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕਾ ਜੇ ਰਿਵਾਰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਨਮੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ SSP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡਮ SSP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਕਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ SSP ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੂਨਾਥ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ 14 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਲਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ 3 ਜੋ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਚਾਂਦੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਰੱਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਰੋਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੱਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪਲੇਟਿੰਗ ਨਿਕਾਲਣੀ ਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।